दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2016 में आई एक ड्रामा रोमांस मूवी को जिसका नाम है द लेट ब्रूमर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम पीटर नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी उम्र 27 साल है। पीटर एक सेक्स थेरेपिस्ट है और ये उन लोगों का इलाज करता है जिन्हें लव लपाटा करने की चुलमची होती है। पीटर आज एक बहुत ही हॉट लड़की की थेरेपी शुरू करने वाला था, लेकिन ये लड़की यहाँ खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और ये पीटर को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है और ये पीटर से कहती है, क्या तुम मेरे साथ फिजिकल होना चाहोगे? लड़की की बात सुन के पीटर को जरा भी फर्क नहीं पड़ता और ये उसे अपनी एक बुक पढ़ने को देता है जिसमें उसने लिखा था कि कैसे हम अपने अंदर की भावनाओं को बदल कर अपने आप को शांत करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। पीटर यहाँ पूरी तरह खपाखप के खिलाफ था और ये दावा करता है कि आज तक उसने कभी भी खपाखप नहीं किया, क्योंकि पीटर का मानना था कि खपाखप हम सभी को अपने लाइफ के गोल से अलग कर देता है और खपाखप के बिना भी हम अपनी लाइफ को बड़ी ही अच्छी तरह से जी सकते हैं। पीटर अपने घर पर आता है जहाँ पर इसके दो दोस्त इससे मिलने आते हैं जिसमें एक का नाम रिच और एक का नाम ल्यूक होता है। पीटर के ये दो दोस्त पीटर की तरह बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि ये घपाघप करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते थे। पीटर इनसे कहता है कि वो घर से बाहर जा रहा है क्योंकि इसकी एक फ्रेंड मिसल ने इसे अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया है, क्योंकि वो पीटर को कई तरह की डिशेस खिलाने वाली थी। पीटर की बातों से हमें यहाँ पता चलता है कि पीटर मिसल को अंदर ही अंदर लाइक करता है। पीटर मिसल के घर पर आता है। मिसल के घर पे आते ही पीटर चार्ली से मिलता है। चार्ली मिसल का बॉयफ्रेंड है जिसे हमेशा अपने काम की ही फिक्र होती है। पीटर मिसल से मिलता है जिसने कई तरह के डिशेस लोगों के लिए बनाया था। पीटर थोड़े थोड़े सारे खाने को टेस्ट करता है और ये सभी खाने पीटर को काफी अच्छे लगते हैं, जिसकी वजह से पीटर मिसल को एक रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए कहता है। मिसल को पीटर का ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है। पार्टी खत्म होने के बाद पीटर अपने घर पर आता है जहाँ हमें पता चलता है कि पीटर के डैड पीटर के नॉन सेक्सुअल होने की वजह से काफी परेशान है। ये पीटर की मॉम से कहते हैं, अगर पीटर मीठा भी होता तो ठीक था, लेकिन वो किस तरह का लड़का है ये मुझे आज तक नहीं पता चला, क्योंकि उसे घपाघप की जरा भी चाह नहीं है। पीटर अपने ऑफिस में आता है जहाँ पीटर की बॉस पीटर को बताती है कि उसने घपाघप के खिलाफ जिस बुक को लिखा था वो बुक काफी ज्यादा फेमस हो रही है, जिसकी वजह से पीटर को एक बड़े ही फेमस शो में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, जिसकी वजह से उनकी क्लिनिक की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। पीटर जब अपने घर पर आता है तब वो चार्ली को मिसल के घर के बाहर देखता है। पीटर को पता चलता है कि चार्ली और मिसल का ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि चार्ली अपने काम में व्यस्त रहता था और वो मिसल को टाइम नहीं दे पाता था। चार्ली के जाने के बाद पीटर मिसल से मिलता है। मिसल काफी सैड होती है और वो पीटर को गले लगाकर रोने लगती है। मिसल पीटर से कहती है, अब मैं शेफ बनने के लिए स्ट्रगल करूंगी और तुम मुझे ऐसा करने के लिए हमेशा ही कहते थे। पीटर भी यहाँ इसे कहता है, हाँ तुम्हें ये करना चाहिए। पीटर की बात से मिसल काफी खुश होती है और ये पीटर को किस करने लगती है। पीटर घपाघप के खिलाफ था, इसीलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी पीटर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और इसे ये अजीब लगता है, जिसकी वजह से ये मिसल को सॉरी बोलकर यहाँ से निकल जाता है। हमें पता चलता है कि पीटर को कभी कभी सर दर्द भी हुआ करता है। अब ऐसा क्यों होता है ये आपको आगे मूवी में पता चलेगा। अगले सुबह रिच और ल्यू पीटर के पास आते हैं और ये उसे अपने साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए ले जाते हैं। बास्केटबॉल मैच खेलते समय एक प्लेयर पीटर के बॉल पर बॉल मार देता है, जिसकी वजह से पीटर यहाँ पे बेहोश हो जाता है। रिच और ल्यू जल्दी से पीटर को हॉस्पिटल लेके आते हैं जहाँ पे पीटर को फिर से सर दर्द होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर पीटर का सिटी स्कैन और MRI करते हैं। डॉक्टर जब यहाँ पीटर के बॉल चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पीटर के पास बॉल नहीं बल्कि दो छोटे छोटे कंचे हैं, यानी कि इसकी कोटी नॉर्मल साइज से काफी छोटे हैं और इसी वजह से पीटर नॉन सेक्सुअल था। अगले सुबह रिपोर्ट आने पर डॉक्टर पीटर को बताते हैं कि तुम्हारे अंदर कई सालों से एक ट्यूमर है जिसने तुम्हारे ग्लैंड को दबा कर रखा है, जिसकी वजह से तुम्हारे टेस्टिकल की ग्रोथ नहीं हुई और वो छोटे ही रह गए और इसी वजह से तुम्हारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स नहीं बन रहे थे बल्कि तुम्हारा शरीर प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को बना रहा था। इसका मतलब ये था कि पीटर आज 27 साल का होने के बाद भी इसका नुनू खड़ा नहीं होता था और इसी वजह से आज तक कभी भी पीटर को घपाघप करने की इच्छा नहीं हुई और ये घपाघप के बारे में अलग अलग किताबों को लिखता गया। डॉक्टर पीटर से कहता है कि वो पीटर का ऑपरेशन करके उसके ट्यूमर को बाहर निकालेंगे, जिसके बाद पीटर अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर पीटर काफी खुश होता है क्योंकि अभी तक पीटर को लग रहा था कि वो घपाघप ना करके लोगों को बदल रहा है। डॉक्टर पीटर का ऑपरेशन करते हैं और पीटर का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और सभी लोग पीटर को उसकी नई जिंदगी में वेलकम करते हैं। हॉस्पिटल के बाद पीटर अपने पेरेंट्स के घर पर रुकता है ताकि ये जल्दी से ठीक हो सके। पीटर अडल्ट मैगजीन को देखकर अपने सोए हुए अरमानों को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कुछ भी असर नहीं पड़ता। अगले दिन इसके दोनों दोस्त इससे मिलने आते हैं और वो अपने साथ एक स्ट्रिपर को भी लेके आते हैं ताकि ये लड़की पीटर के सोए हुए अरमानों को जगा दे। ये लड़की पीटर को काफी ज्यादा
उकसाती है और ये अपने अंगों की तरंगों से पीटर को मजा लेने के लिए कहती है, लेकिन पीटर बेचारा खड़ा ही नहीं हो पाता। लेकिन उसके दोस्त ल्यूक का बाहर ही खड़ा हो जाता है। अंदर ये लड़की पीटर को खड़ा करने के चक्कर में बेचारी खुद ही बैठ जाती है। अगली सुबह पीटर जब सोकर उठता है तब ये नीचे आता है। पीटर को देख के उसकी फैमिली खुश हो जाती है क्योंकि अब पीटर का नुनू स्टैंड हो चुका था। इसका मतलब पीटर अब छोटा बच्चा नहीं रहा। पीटर जल्दी से तैयार होकर अपनी लाइफ को शुरू से जीने के लिए घर से बाहर जाता है। पीटर जब अपने घर पर आता है तब ये देखता है कि इसका दोस्त ल्यूक एक लड़की के साथ फिजिकल हो रहा था। पीटर इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। पीटर देखता है कि इसका स्पाइडरमैन अभी भी खड़ा है तो ये उसे बैंड करने के लिए जल्दी से टॉयलेट में जाकर हिलाता है। पीटर अपनी नई जिंदगी में अपने अंदर की आग को मिटाने के लिए दिन में कई बार हिलाने लगता है। एक दिन मिसल पीटर से मिलती है और कहती है कि वो एक कुकिंग चैलेंज में हिस्सा लेने जा रही है और अगर इसने उस चैलेंज को जीत लिया तो इसे लॉस एंजलिस के एक बड़े होटल में काम करने का मौका मिलेगा और ये वहाँ से अपने शेफ बनने की शुरुआत कर सकती है। इसलिए अब ये कुछ दिनों तक बाहर ही रहेगी। ये सुनकर पीटर को अंदर से तो काफी दुख होता है लेकिन ये उसे दिखाने के लिए वो एकदम से खुश हो जाता है। पीटर जब ऑफिस आता है तब ये अपने एक पेशेंट से मिलता है। अपने पेशेंट की बात सुनकर पीटर को घपाघप करने की उत्तेजना होने लगती है लेकिन इसे कुछ चिड़चिड़ापन भी होने लगता है। पीटर डॉक्टर के पास आता है और पूछता है कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और इसे घपाघप को लेके इतनी उत्तेजना क्यों हो रही है। इस पे डॉक्टर इसे बताते हैं कि तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स 15 साल बाद बनना शुरू हुए हैं, इसीलिए ये सब तुम्हारे शरीर में इतनी तेजी से हो रहा है। मतलब कि तुम्हारा तो अब कहीं पर भी फायर होने के लिए तैयार है और तुम्हारे शरीर में हार्मोन्स देरी से बनना शुरू हुआ है, इसलिए तुम्हारे अंदर कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे जैसे आवाज भारी होना, चिड़चिड़ाहट होना, घपाघप की उत्तेजना होना जैसी समस्या है। लेकिन तुम घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। शाम के टाइम पीटर मिसल से बात करता है, उसकी कॉम्पिटिशन के बारे में पूछता है। मिसल यहाँ किसी दूसरे के बारे में बात करती है जिसकी वजह से पीटर को थोड़ा जलन महसूस होती है। अगले दिन पीटर रेडियो पे अपना इंटरव्यू देने जाता है लेकिन इंटरव्यू के समय पीटर की आवाज में बदलाव आता है और ये इंटरव्यू पूरा नहीं कर पाता। शाम के टाइम पीटर अपने पेरेंट्स के पास आता है और इन्हें अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है, जिसपे पीटर के डैड पीटर को प्यूबर्टी के बारे में बताते हैं और कहते हैं इस उम्र में ये सब होना नॉर्मल है। लेकिन पीटर यहाँ अपने पेरेंट्स से झगड़ने लगता है और ये गुस्से में यहाँ से चला जाता है। पीटर को जाने के बाद हम देखते हैं उसके डैड इस झगड़े से बिल्कुल भी सैड नहीं है बल्कि ये काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि हमने इस समय का 15 साल से इंतजार किया है। शाम के टाइम पीटर मिसल से फिर से बात करता है और मिसल दोबारा से किसी और के बारे में बात करती है, जिस पर पीटर गुस्सा हो जाता है और वो मिसल को बातें सुनाकर कॉल कट कर देता है। अगली सुबह पीटर अपने दोस्तों से मिलता है जहाँ रिच पीटर से बोलता है कि मेरे दोस्त आने वाले 22 तारीख को क्या तुम मेरे बच्चे को मेरे घर पे बेबी सिटिंग कर सकते हो। पीटर कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब रिच उसे बताता है कि 22 तारीख को इसकी एनिवर्सरी है और उस दिन ये और उसकी वाइफ रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे। इसके बाद ये एक होटल में जाके अंधाधुंध पसीना निकालेंगे क्योंकि घर में बच्चे रहते हैं जिसकी वजह से हम घर पर ये नहीं कर पाते हैं। पीटर रिच के बच्चों की बेबी सिटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे जैसे दिन बीत रहा था पीटर को घपाघप के प्रति काफी अट्रैक्शन होने लगती है। इसी वजह से पीटर का पड़ोसी जोश पीटर को टिंडर के जरिए लड़कियों से मिलने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ पे पीटर कई लड़कियों से मिलके उनके साथ घपाघप कर सकता है। पीटर इसके लिए तैयार हो जाता है। पीटर ये सब इसलिए करता है ताकि मिसल को प्रपोज करने के बाद वो किसी दूसरी लड़की के साथ फिजिकल नहीं होना चाहेगा, इसीलिए प्रपोज से पहले ही बहुत सारी लड़कियों के साथ घपाघप करता है। एक दिन जब पीटर अपने घर पर आता है तब ये चार्ली को मिसल के घर के बाहर देखता है। चार्ली यहाँ मिसल को सॉरी बोलने के लिए आया था। पीटर चार्ली से कहता है कि मिसल घर पर नहीं है इसलिए तुम परेशान मत हो और ये फूल मेरे पास रख दो, मिसल जब आएगी तो मैं उसे बता दूंगा कि तुमने ये उसे दिया है। चार्ली को पीटर पे यकीन था इसीलिए चार्ली ये फूल यहाँ पर रख के चला जाता है। इसी रात मिसल अपने कॉम्पिटिशन से लौट कर आती है और ये इन फूलों के लिए पीटर को थैंक्स भी बोलती है, लेकिन पीटर मिसल को ये नहीं बताता कि ये फूल चार्ली इसके लिए लेके आया था। यहाँ पीटर मिसल को डिनर के लिए पूछता है, इस पर मिसल मान जाती है। अब इन दोनों का ये पहला डेट था इसलिए पीटर अच्छे से तैयार होता है। पीटर तैयार हो रहा था कि तभी इसका दोस्त रिच इसे कॉल करता है और वो अपने बच्चों की बेबी सिटिंग करने के लिए उसे बुलाता है, लेकिन पीटर भूल गया था कि आज 22 तारीख है। पीटर इससे कहता है कि सॉरी आज मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं आज मिसल को डेट पर लेके जा रहा हूँ। इस पर रिच काफी गुस्सा हो जाता है और पीटर एक बच्चे की तरह रिच से झगड़ता है। इसके बाद पीटर मिसल को एक फेमस रेस्टोरेंट में लेके आता है। इस पर मिसल काफी इम्प्रेस होती है क्योंकि इस रेस्टोरेंट में टेबल मिलना काफी मुश्किल होता है। पीटर यहाँ मिसल के सामने एक बिगड़े हुए लड़की की तरह व्यवहार करता है क्योंकि वो मिसल को दिखाना चाह रहा था कि वो पहले का पीटर नहीं है बल्कि अब ये बदल चुका है। मिसल को पीटर का ये व्यवहार काफी अजीब लगता है। ये दोनों डिनर शुरू करने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर रिच और उसकी वाइफ आ जाते हैं और हम
हमें यहाँ पता चलता है कि जिस टेबल पर ये दोनों बैठे हैं उस टेबल को रिच ने अपने और अपने वाइफ के लिए बुक की थी, लेकिन पीटर ने उस रिजर्वेशन को चुरा लिया और यहाँ पर आ गया, क्योंकि पीटर को लग रहा था कि रिच अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन रिच कहता है लास्ट समय पर ल्यूक मेरे बच्चे की बेबी सिटिंग करने के लिए आ गया, क्योंकि वो पीटर की तरह एक धोखेबाज नहीं है। ये सारी बातें सुनकर मिसल यहाँ से उठकर जाने लगती है। पीटर मिसल को रोकता है, लेकिन मिसल उससे कहती है कि अभी कुछ देर पहले ही मुझे चार्ली का मैसेज मिला जिसमें उसने बताया था कि वो फूल तुमने नहीं चार्ली ने वहाँ पर रखा था। मिसल पीटर के ऊपर गुस्सा करके यहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम पीटर को उसकी एक पेशेंट के पास देखते हैं, जो पीटर को अपने फैंटेसी के बारे में बताती है कि इसे घपाघप करना बहुत ही पसंद है। क्योंकि पीटर का नुनू अब स्टैंड होने लगा था तो पीटर इसकी बात सुन के घपाघप के लिए तैयार हो जाता है और ये उसकी थेरेपी को छोड़कर इसके साथ संबंध बनाने की तैयारी में लग जाता है। पीटर पैंट निकालने ही वाला था कि तभी यहाँ पीटर की बॉस आ जाती है और वो पीटर को ऐसा करता देख लेती है, जिसकी वजह से वो पीटर को इस जॉब से निकाल देती है। पीटर अपने अंदर के बदलाव को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए काफी समय बाद अपने फादर से मिलता है और उनसे कुछ सलाह मांगता है। पीटर बताता है कि इसे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं मिल रहा है। इस पर इसके फादर इसे बताते हैं कि मर्दों के अंदर इस तरह का बदलाव प्यूबर्टी के दौरान होता है, क्योंकि ये सब हार्मोन्स का किया धरा होता है। लेकिन हाँ, हमें अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए, क्योंकि एक असली मर्द बनना और मर्द बनने का दिखावा करना, इसमें बहुत ही फर्क होता है। पीटर कहता है कि वो कल के अपने इंटरव्यू में लोगों को क्या बताएगा, जब ये खुद ही इसके लिए परेशान है और इसका खुद पर ही कंट्रोल नहीं है। पीटर के डैड कहते हैं कि तुम सिर्फ वही बोलना जो तुम्हारा दिल करे। अगले दिन पीटर इंटरव्यू में अपने बुक को सबसे बेकार बुक बताता है और बताता है इसने 15 सालों से इन सब चीजों का एक्सपीरियंस नहीं किया था, इसीलिए अपनी इच्छाओं को दबाने से अच्छा है कि खुद को लोगों के सामने लेके आओ। पीटर कहता है कि घपाघप हमारी जिंदगी का एक बेहद ही जरूरी हिस्सा है और हम सभी को इसका फायदा लेना चाहिए। पीटर की बात सुनकर यहाँ मौजूद सभी लोग पीटर के लिए ताली बजाते हैं। पीटर रिच के पास जाता है और ये उससे माफी मांगता है। रिच पीटर को माफ भी कर देता है। इसके बाद रिच और उसकी वाइफ पीटर को मिसल के पास जाके सारी सच्चाई बताने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वो तुम्हें जरूर पसंद करेगी। इसके बाद पीटर रिच और ल्यूक के साथ मिसल से मिलने के लिए आता है। मिसल यहाँ चार्ली के साथ होती है। पीटर यहाँ सभी के सामने अपने ट्यूमर और लेट प्यूबर्टी की वजह से हुई मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में सब कुछ बता देता है। पीटर की बात सुनकर मिसल को इस पर काफी ज्यादा प्यार आने लगता है और ये पीटर के पास आ जाती है और चार्ली बेचारा यहाँ से चुपचाप चले जाता है। मिसल और पीटर यहाँ पर एक साथ किस भी करते हैं। लास्ट सीन में हम पीटर और मिसल को एक साथ में देखते हैं। मिसल अब प्रेग्नेंट थी। पीटर यहाँ टीनेज बच्चों को पढ़ा रहा था और अब पीटर ने यहाँ प्यूबर्टी के ऊपर एक सेपरेट बुक भी लिखी थी और ये मूवी यहीं पर एंड भी हो जाती है।